रायबरेली में जल्दी खत्म होगा बिजली संकट, एनटीपीसी के जीएम ने दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोयले की कमी से गहराते बिजली के संकट पर एनटीपीसी की बंद इकाई को लेकर सीएम योगी के साथ बैठक के बाद जीएम कमलेश सोनी का संतोषजनक बयान आया है, जिसमें कहा कि मेंटेनेंस के बाद एनटीपीसी की बंद इकाई चालू होगी। दरअसल कोयले की कमी के चलते एनटीपीसी ऊंचाहार की यूनिट बंद की गई थी। जीएम कमलेश सोनी ने 2 से 3 दिनों में कोयले की आपूर्ति करवा एनटीपीसी ऊंचाहार की बंद इकाई को चालू करवाने का आश्वासन दिया। जीएम कमलेश सोनी का दावा है कि सीएम योगी के साथ वीसी के बाद वह यह निर्णय लिया गया है। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया टीम, जिला संवाददाता रायबरेली। सर, बिजली प्रोडक्शन को लेकर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है और प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा, रीजन क्या है और कब तक शॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, कोल माइंस में जो पानी भरने से समस्या उत्पन्न हुई थी उस पर अभी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और हम लोग देखेंगे कि कोल का प्रोडक्शन पिकअप कर गया है और एनटीपीसी को कोल की सप्लाई भी इम्प्रूव हुई है। और बाकी जैसे आज देखेंगे आपको टांडा का भी यूनिट आज सिंक्रोनाइज हो गया था, उसका भी लोड पिकअप हो रहा है, तो यूपी के लिए वो अच्छा पावर सप्लाई करेगा। भैया के भी सिर्फ दोनों यूनिट चल रहे हैं, दादरी के भी सभी यूनिट चल रहे हैं, खाली एक उचहार का यूनिट है जो ओरालिंग के लिए बंद किया गया है, वो ओरालिंग के बाद दोबारा चला दिया जाएगा। और जो यूनिट 6 है उसको हम 2 दिन में कोल शॉर्टेज की वजह से जो बंद किए थे उसको दोबारा स्टार्ट कर, सो ये हमारा अनुमान है। क्या उम्मीद की जाए कब तक ये शॉर्टेज जो है? अगले 2 दिन में हम लोग यूनिट 6 को भी चला देंगे, तो इस तरह से हमारे एनटीपीसी के जितने प्लेट्स हैं उत्तर प्रदेश में वो सारे के सारे ऑन बार आ जाएंगे।